नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सबको अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे मुगलों की धार्मिक नीति की इम्पॉर्टेंट फैक्ट की, जो कि हर एक एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा, नहीं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर हम बात करें दोस्तों, खानवा के युद्ध से पहले बाबर ने मुसलमानों को तमगा कर यानी कि व्यापारिक चुंगी, जो तमगा कर था वह व्यापारिक कर माना जाता था, उसे मुफ्त कर दिया था। खानवा के युद्ध से पहले बाबर मुसलमानों को तमगा कर से मुफ्त कर देता है। अगर हम बात करें, अकबर के शिक्षक अब्दुल लतीफ ने अकबर को सुलह कुल का पाठ पढ़ाया था। जो अकबर का शिक्षक अब्दुल लतीफ था, अकबर को सुलह कुल का पाठ पढ़ाता है। अगर हम बात करें दोस्तों, शेख मुबारक ने मजहर यानी कि 2 सितंबर 1579 को का प्रारूप तैयार किया था। जो शेख मुबारक था वह मजहर का प्रारूप तैयार करता है, और इसमें अकबर को अमीर उल मोमिनीन कहा गया है, यानी कि इस्लाम में विश्वास रखने वाला नायक कहा गया है। और मजहर का जो प्रारूप था 2 सितंबर 1579 को घोषित कौन करता है, अकबर करता है। 2 सितंबर 1579 को मजहर की घोषणा करता है, और जिसका प्रारूप शेख मुबारक ने तैयार किया था। दोस्तों अगर हम बात करें, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपके एग्जाम में कभी भी पूछा जा सकता है। अगर हम बात करें, अकबर ने अपनी माता की मृत्यु पर हिंदुओं के समान सिर मुंडवाया था। जो अकबर था, अपनी माता की मृत्यु पर जब उनकी माता का देहांत होता है तो हिंदुओं के समान वह सिर मुंडवाता है। अगर हम बात करें दोस्तों, अबुल फजल ने दीन ए इलाही का प्रधान पुरोहित था। जो अबुल फजल था वह दीन ए इलाही का प्रधान पुरोहित था। आप लोग इसे भी नोट कर लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि दीन ए इलाही का प्रधान पुरोहित अबुल फजल था। अगर हम बात करें दोस्तों, 1612 में जहांगीर ने पहली बार रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया और अपनी कलाई पर राखी बंधवाई। 1612 में जहांगीर ने पहली बार रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया था। 1612 में जहांगीर रक्षाबंधन का त्यौहार मनाता है। अगर देखा जाए दोस्तों, ये सारी चीज़ें गतिविधियां थी जो मुगल शासनकाल के दौरान चलती रही, और ये छोटी छोटी गतिविधियां जो होती रही वह आपके एग्जाम में कभी भी पूछा जा सकता, तो आप लोग इसे अच्छे से देख सकते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें, जो कि जहांगीर ने जैनियों के धार्मिक उत्सवों और त्योहारों पर रोक लगाई थी। जो जहांगीर था वह जैनों के धार्मिक उत्सव और त्योहारों पर रोक लगा दी थी। अगर हम बात करें दोस्तों, शाहजहां ने सिजदा और जमीन बोस के स्थान पर अभिवादन की चहात तस्लीम की प्रथा शुरू किया था। जो शाहजहां था, सिजदा और जमीन बोस के स्थान पर अभिवादन की चहात तस्लीम की प्रथा को शुरुआत करता है। दोस्तों अगर हम बात करें, शाहजहां ने खंभात के नागरिकों की प्रार्थना पर गौवध पर प्रतिबंध लगा दिया। अगर देखा जाए दोस्तों, जो शाहजहां ने खंभात के नागरिक उनसे अनुरोध करता है कि आप गौवध को प्रतिबंध लगा दीजिए, और कविंद्राचार्य के अनुरोध पर वह प्रयागराज और बनारस से तीर्थ यात्रा कर को भी हटा देता है। अगर हम बात करें दोस्तों, मथुरा के भव्य केशव राय देव मंदिर का निर्माण जहांगीर के समय वीर सिंह देव बुंदेला ने करवाया था। जो कि मथुरा के भव्य केशव राय देव मंदिर का निर्माण जहांगीर के समय वीर सिंह देव बुंदेला ने करवाया था, जिसे औरंगजेब ने तुड़वा दिया, और वीर सिंह देव बुंदेला द्वारा निर्मित ओरछा के भव्य मंदिर को शाहजहां ने नष्ट करवा दिया था। और जो वीर सिंह देव बुंदेला द्वारा जो ओरछा मंदिर बना था उसे शाहजहां ने नष्ट करवा दिया था। अगर देखा जाए दोस्तों, औरंगजेब ने दीपावली की रात दीपक जलाने और होलिका दहन पर रोक लगा दी थी। क्या लगा दिया था उसने? औरंगजेब दीपावली की रात दीपक जलाने और होलिका दहन पर रोक लगा दी थी। उसने मुसलमानों के मुहर्रम मनाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया। वह मुहर्रम मनाने को भी प्रतिबंध लगा देता है, कौन? औरंगजेब। अगर देखा जाए, औरंगजेब नक्शबंदी सिलसिले का अनुयायी था। किसका अनुयायी था? औरंगजेब नक्शबंदी सिलसिले का अनुयायी था, और वह शेख मासूम का शिष्य था। वह शेख मासूम का शिष्य था, कभी भी पूछा जा सकता है। तो औरंगजेब शेख मासूम का शिष्य था, ये एग्जाम में कभी भी पूछा जा सकता, तो आप लोग इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अगर देखा जाए, अतहर अली के अनुसार औरंगजेब के शासनकाल में हिंदू मनसबदारों की संख्या 33.1% थी। अतहर अली के अनुसार औरंगजेब के शासनकाल में हिंदू मनसबदारों की संख्या
33.1% थी, जबकि अकबर के समय यह संख्या 22.5% थी। औरंगजेब के समय काफ़ी ज़्यादा जो हिंदू मनसबदारों की संख्या बढ़ जाती है, कि इसका कारण भी था क्योंकि बहुत ज़्यादा विरोध भी हो रहा था। भारत में छोटे छोटे जो राज थे वह अपनी हक की बात कर रहे थे, तो औरंगजेब ने एक नीति पालन किया और उसने हिंदू मनसबदारों की संख्या में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि भी की थी। दोस्तों, इस तरह का टॉपिक आपके एग्जाम में कभी भी पूछा जा सकता है, तो आप लोग इसे अच्छे से नोट कर लिए होंगे। उम्मीद करता हूं आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, 2023 सिर्फ आपका है, आप 2023 को फोड़ दीजिए। आप लोग फायर हो, झुकना नहीं बिल्कुल। धन्यवाद, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, धन्यवाद।